मिरर टाइम्स में खुश आमदीद। मशहूर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों तुर्की में हैं। कल उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी अमीना उर्दुगान से मुलाकात भी की। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान की अहलिया और वहां की खातून अव्वल अमीना उर्दुगान के साथ आमिर खान की मुलाकात वाली पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आमिर खान भारत के मशहूर फिल्मसाज, अदाकार और डायरेक्टर हैं। इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की गए हुए हैं। आमिर खान की अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा आ रही है। इस फिल्म की शूटिंग वो तुर्की के शहर इस्तंबुल, वहाँ की राजधानी अंकारा समेत तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में करेंगे। इसी मौका पर उन्होंने कुछ मसाइल पर बातचीत करने के लिए तुर्की की खातून अव्वल अमीना उर्दुगान से मुलाकात और बातचीत की। अमीना उर्दुगान ने मुलाकात वाली तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और लगातार दो ट्वीट किया, एक ट्वीट तुर्की जुबान में और दूसरा अंग्रेजी जुबान में। अमीना उर्दुगान ने मुलाकात वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत के आलमी शोहरत याफ्ता एक्टर, फिल्मसाज और डायरेक्टर आमिर खान से इस्तांबुल में मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। मुझे जानकर बेहद मसर्रत हुई कि आमिर खान अपनी हालिया फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं। मुझे इसका इंतज़ार है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि आमिर खान और अमीना उर्दुगान दोनों खुशगवार मूड में हैं और अबनाए पासपोर्ट के किनारे मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। Beautiful, and also my wife is telling me that you know she lived here for 2 weeks, and she was really you know mixing in with the people, and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people, you know. And she had a wonderful time. Ben de çok güzel bir şehir olduğunu duydum. Eşim burada 2 hafta geçirdi o ev kiraladığında ve tam olarak halkın arasına karışmıştı. İşte apartmandakilerle vesaire de tanışmıştı ve सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद कमेंट की बरसात हो गई। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आमिर खान एक अच्छे एक्टर हैं, उन्हें इंडिया के बजाय तुर्की में ही होना चाहिए। किसी ने कमेंट किया, आमिर खान से पूछिए कि भारत में कब तक मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा। तो कुछ कमेंट आमिर खान के ख़िलाफ़ था कि आमिर खान तुर्की के सदर की वाइफ से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। तुर्की हमेशा भारत के मुकाबला में पाकिस्तान को तरजीह देता है। आमिर खान ने मुलाकात करके अपने चाहने वालों को तकलीफ दी है। एक ने कमेंट किया, आमिर खान अब तुर्की में ही मुस्तकिल तौर पर क़याम पज़ीर हो जाएं, हम आपको भारत में वापस देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये महफूज नहीं है। आमिर खान और अमीना उर्दुगान की मुलाकात भारतीय मीडिया की सुर्खियों में है और अहतमाम के साथ सभी अंग्रेजी, हिंदी और दीगर जुबानों की अखबार ने इसे शाये किया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।